already we have covered scalars and vectors. So maths में बहुत सारे already topics हैं algebra. Similarly there is a branch which is called calculus. और ये बहुत बड़ा branch है. बहुत बड़ा मतलब ठीक है. उसके बाद दूसरा जो टॉपिक पढ़ने वाला है इसमें दैट इज डेरिवेटिव एंड थर्ड वन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज इंटीग्रेशन. इसमें एक और टॉपिक होता है विच इज लिमिट्स. मैं पहले पढ़ा हुआ था लेकिन अब उसकी एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती. एटलीस्ट कुछ फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रखते हो तो हम लोग लिमिट्स ये चीज नहीं पढ़ने वाले. ठीक है, मैं बस चाहिए तो उसका मतलब जब तक बताऊं वी विल नॉट स्टडी दिस. ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में ये दिया है और ये दिया है, बाकी कुछ नहीं. मैं ये एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा. ठीक है, क्लियर है. अब ये होता क्या है, वहां से स्टार्ट करते हैं. तो हमने स्कूल में ही फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. वो क्या पढ़ा था भैया, ये एक्स ये बार ये ऐसा कुछ पढ़ाया गया स्कूल में आपने. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, और अगर मैंने आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिया 2x plus 3y equal to 4 तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये आपने सुना, इसका मीनिंग आपके टीचर ने बताया क्या, आपके किसी ने बताया कि मीनिंग क्या होता है इससे. अच्छा मैं मीनिंग बताता हूँ. पहली चीज टू वेरिएबल का मतलब है एक्स और वाई. एक्स और वाई क्यों लिखता है, एक्स और वाई ये वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब है ऐसी चीज को बदलती है, ऐसी चीज को बदलती है. ठीक है, और हम लोग अलग अलग हमारे आसपास की अलग अलग चीजों के लिए इक्वेशन यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस से x हो सकता है लेंथ, y हो सकता है ब्रेथ, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग. दूसरा कुछ ले सकते हैं, लेट अस से x हो सकता है बनाना, y हो सकता है एप्पल्स. ठीक है, उसके इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग. x हो सकता है पेंसिल, y हो सकता है पेन, है ना. और फिर उसके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, उससे हम लोग कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व. So we use this linear equation. See, two variable का मतलब बताएं. So out of these two variables, यहाँ पर एक variable होता है independent and the other is dependent. तो क्या है, हम लोग वापस से पढ़ेंगे. So there are two variables in this equation. One is dependent, other is independent. ठीक है? Now let us erase something. इसमें से मैं कुछ चीजें हटा रहा हूँ. Equation का मतलब क्या है? Two variables से बता दिया. इक्वेशन का मतलब है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग एल्स. इक्वेशन इक्वल करो, इस तरफ LHS उस तरफ RHS, LHS इक्वल टू RHS मतलब इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन का इक्वेशन छोड़ के और क्या होता है, तो इन इक्वालिटी होता है. दिस इज कॉल्ड इन इक्वालिटी. ये इक्वेशन है, ये इन इक्वालिटी, ये मैथ्स में सिखाया जाएगा. हमारे फिजिक्स में ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो हम उसको नहीं पढ़ते. ठीक है, तो अब ये हो गया इक्वेशन का मीनिंग समझ गया. अब ये जो लीनियर है इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं दो पॉइंट्स और हटा रहा हूँ. क्या लिखा है, लाइन. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन. याद करो आपने इसको ग्राफ बनाया था, दो लाइन्स का ग्राफ बनाते हैं, है ना. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशन से दो लाइन बनती है. दो लाइन कभी कभी इंटरसेक्ट भी करती है. उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर. ठीक है, अलग अलग तरीके हैं दो इक्वेशन को सॉल्व करने के. लेट अस से दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन 2x minus 3y equal to 2. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, और दोनों को सॉल्व करो तो आपको x फाइंड मिल जाएगा. तो मतलब क्या मिलता है, x और y मिलेगा ये पॉइंट. और ये इक्वेशंस क्या है,
ये इक्वेशन से ये ठीक है. सो दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस dy equal to 4 minus 2x लिख सकते हैं ऐसे, या फिर y equal to minus 2 by 3 x plus 4 by 3 ऐसे भी लिख सकते हैं. बस मैंने दिया नेक्स्ट लिया, बस मैंने क्या किया यहाँ पर देखो जरा लास्ट रेंज कहाँ गया है. इक्वेशन को मैंने क्या किया रीअरेंज किया है, ठीक है, बस इधर से उधर नंबर्स घुमाए. नाउ यू कैन सी y इज सम काइंड ऑफ mathematical equation of x which is called a function of x. इसको हम लोग बोलते हैं function. लिखने का तरीका क्या है, f of x y is function of x, ठीक है. ये एक एग्जांपल जो आपको पता था उसके साथ है function. ये एक function which is called linear function, क्योंकि यहाँ पर x की powers 1 है तो इसकी जो line इसका जो diagram बनेगा वो line, that's why it is called linear function. जब x और y की power 1 होती है then we say that it is linear function, ठीक है. अब functions के भी बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे टाइप हैं, एक-एक टाइप करना तो और function को हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y का अगर function है तो graph में बना सकते हैं, ठीक है. जरूरी नहीं कि सिर्फ x और y का, और भी बड़े-बड़े functions हो सकते हैं तो graph में नहीं बना सकते. कुछ functions को graph में बनाया जा सकता है जो x और y के function होते हैं, ठीक है. मतलब दो वेरिएबल फंक्शन होंगे तो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, क्लियर है. फिर वो x y हो, थीटा टाइम हो, d टाइम हो, x की हो, x मतलब पोजीशन टाइम, d मतलब वेलोसिटी टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है. एंगल हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट दो वेरिएबल x और y की जगह कुछ भी दो, ठीक है. देन वी कैन टॉक अबाउट, क्लियर है. तो y इज फंक्शन ऑफ x, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन के टाइप्स देखो, फंक्शन मतलब क्या है, इट इज रिलेशन और यू कैन से मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है. दिस इज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. फिजिक्स में एक होता है वन ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल. एक इंडिपेंडेंट होता है, एक की वैल्यू मतलब अपने मन से लेते हैं कुछ भी, दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. बार बार कर रहा है. ठीक है, चलो लिखा. So, function क्या है? What is function? Notebook में लिखो जल्दी से. Mask लगाओ, mask लगाने लगाना. So, what is function? It is relationship between two variables. दो variable है, उनके बीच का relationship function होता है. एक को x बोलेंगे, दूसरे को y बोलेंगे. ठीक है? Y जो है उसको हम लोग generally dependent बोलते हैं. उसकी value निकालने के लिए x से calculate किया जाता है. X की value कुछ भी हो सकती है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं. So, it is independent. Different types of function लिखते हैं. Types कौन से हैं? तो number one is algebraic function मतलब जो मैंने अभी लिखा था mx y equal to 2x plus 3 क्या है, सब उसका function algebraic example लिखना है. 2x plus 3y equal to 4. This is algebraic function. ऐसा कोई भी function. Single variable function भी हो सकता है. 2x plus 3 equal to 4. This is also algebraic. एक ही variable का हो सकता है, दो variable का हो सकता है. So, ऐसा तो कुछ नहीं है कि
एक ही मेंबर हो या दो हो, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग दो के साथ काम करेंगे। देन ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे फंक्शन y इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और टेन ऑफ x, y इक्वल टू टेन ऑफ x, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन, तो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक। थर्ड वन एक्सपोनेंशियल, सो y इक्वल टू e रेस टू x, इस टाइप के फंक्शन where this e is irrational number, its value is 2.7182, so on. E is a irrational number. Irrational number समझते हो ना, जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, जैसे कि पाई, कैलकुलेशन के लिए हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन लीगल, तो ये तो पता ही आपको। एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे पाई नंबर है ना, इरेशनल वैसे e नंबर है, ठीक है, e इज अ नंबर है, जैसे पाई नंबर है। उसके बाद लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन भी होता है, मतलब वहां पर y इक्वल टू log ऑफ x है, log ऑफ x, तो लॉगरिथमिक। और एक और होता है ट्रिग्नोमेट्री, जैसा ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री से उसी का उल्टा इनवर्स, ठीक है। इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस मैं ऊपर ऊपर का आईडी दे रहा हूँ हर चीज का, क्या क्या होता है, ठीक है, डिटेल में आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे हर चीज। इसको छोड़ के और भी फंक्शन होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो एडवांस मैथमेटिक्स जब हम हायर क्लास में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में, तब पढ़ते हैं, ठीक है। इलेवन ट्वेल्थ में अगर आपका मैथ्स है तो ये वाले फंक्शन आप पढ़ोगे, अगर मैथ्स नहीं है तो इनमें से दो चार फंक्शन मैं फिर उसमें पढ़ाऊंगा, बाकी सारा सब कुछ नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको फंक्शन क्या होते हैं, अच्छा एक अच्छी ट्रिक है, फंक्शन का ग्राफ हम लोग गूगल से निकाल सकते, क्या करना है, गूगल को पूछना है, गूगल पे क्या पूछना है, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ओपन करके अच्छा सीख लेते हैं, है ना, अब उसको पूछो y equal to sin x का ग्राफ ऑफ sin x सर्च करो, ग्राफ ऑफ sin x सर्च करो, ग्राफ ऑफ sin x गूगल पर, आप ये देखो, हां आपने आधे बजे में उसको दिखा दूंगा, है ना, सही है। तो अब अच्छी बात क्या है, टेक्नोलॉजी अपने पास, अपने को लर्न करने की जरूरत नहीं, जो ग्राफ चाहिए डालो, इरेज का इस्तेमाल करो, आपको ग्राफ मिल जाएगा। सब कैसा दिखता है फंक्शन x और y एक्सिस पे, वो आप डायरेक्ट गूगल कर सकते, ये वाला तो नहीं, नहीं तो जरा
टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर कर दो। एक और आया है एंड्रॉइड पे, एंड्रॉइड आया है ग्राफ, ये एंड्रॉइड है, इस पे आप डाउनलोड करके चाहिए वो फंक्शन बनाओ, चाहिए वो फंक्शन डालो और वो फंक्शन पे ग्राफ मिल जाएगा, है ना? सही है, ठीक है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो हम लोग हर ग्राफ बना सकते हैं, जो हमने को नहीं आता है वो गूगल को पूछो, और कुछ भी नहीं आता तो सब कुछ गूगल को पूछो, ठीक है? हाँ, एग्जाम में आपको मोबाइल फोन करने को की एक एग्जाम के टाइम पे आपने वो गूगल को आना चाहिए, अच्छे है ना? तो कुछ पॉपुलर ग्राफ है जो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम मैच नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है? मैच है ना सभी का? और मैच वाला कौन है? कोई सब का मैच, और ठीक है मैच है तो टेंशन कम रहेगा, मैच नहीं है तो फिर आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स में दिक्कत आ सकती है। अभी हम लोग फंक्शन का आइडिया तो आ गया कि फंक्शन क्या होता है। अच्छा एक और बेसिक पूछ लेता हूँ, आपको पता ही होगा। लेट अस से मैं एक ग्राफ बना, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, एंड लेट अस से आई हैव दिस लाइन व्हिच प्रोसेस तो ओरिजिन से कनेक्टेड गई लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, ऐसा मैंने लाइन दिया। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप क्या होता है? ऐसा कुछ तो फॉर्मूला था, चलो लेट मी गिव यू दिस, x2 y2 x1 y1 these are coordinates, so this will be y2 minus y1 upon x2 minus x1, so y2 minus y1 का मतलब क्या है? This is changing y, changing y is y minus y1, changing x coordinate is क्या हो गया? कौन अटेंड कर रहा है ऑनलाइन? कौन भाई साहब है? शुभ, अरे वो इको आता है अभी अपन मत कोई अच्छा ही दिखेगा, डोंट वरी, सब टेस्ट है सब कुछ, ठीक है? क्या है स्लोप का फॉर्मूला अपना? चेंजिंग y अपॉन चेंजिंग x, ये मेरा y है, दिस इज चेंज इन y, दिस इज चेंज इन x। फिजिक्स में हम लोग चेंज के लिए डेल्टा सिंबल यूज करते हैं, ये पता है? सो डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है? अगर अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो तो भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, कैसे? लेट मी गिव यू एग्जांपल। मेरी एक कोई तो फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा कुछ बने, ऐसा हो सकता है, किसी भी नंबर का ग्राफ बना सकता है, तो ये कोई तो फंक्शन है f of x, this is my y, this is my x, तो ये ऐसा ग्राफ। So for this graph also we can find that slope, कैसे फाइंड कर सकते हैं? So at let us consider this point, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ, do you know what is tangent? Touching line, ये टेंजेंट बनाओ इस पॉइंट पे, and find the slope of this line, ये तो निकाल सकते हैं क्योंकि लाइन का स्लोप तो निकाल सकते हैं। There is one more technique, ये एंगल थीटा है, so this will be opposite upon adjacent, so this is tan theta। स्लोप की एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? tan of theta, ये पढ़ाया है तुमको, स्लोप इज इक्वल टू tan of theta, नहीं ये भी फॉर्मूला याद है, ठीक है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होता है? tan of theta, दिस एंगल इज theta, दिस एंगल इज आल्सो theta, देखो है कि नहीं? सो हम लोग स्लोप के लिए ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan का फुल फॉर्म है tangent, tan का फुल फॉर्म और वो टेंजेंट भी होती है, समझ में आ रहा है? ये सारा रिलेटेड है, इसके ये नाम भी एक जैसे थीटा। अच्छा ये जो टैन ऑफ थीटा मतलब ये जो स्लोप है इस पॉइंट पे, क्या सेम स्लोप इस पॉइंट पे भी होगा? नहीं, स्लोप देखो क्या है, यहाँ पर इतना
यहाँ पर एक स्लोप, स्लोप का नॉर्मल इंग्लिश का मतलब क्या, स्लोप का मतलब चढ़ान है ना, या फिर उतार जो भी है, दोनों में से कोई भी। तो कोई रोड के बारे में सोच, ये मेरा रोड है, तो ये उसका स्लोप, चेंजिंग वर्बल से यूज मेक्स, ठीक है। अगर रोड मेरा ऐसा हो जाए तो स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है स्लोप, और कितना हो गया स्लोप, जीरो हो गया, फ्लैट हो गया, मतलब स्लोप जीरो। अगर ऐसा कर दू तो स्लोप क्या हो रहा है, बट मैन कितना हो गया स्लोप, ये जीरो, ये जीरो, ये कितना, इस टेन ऑफ नाइनटी, टेन ऑफ नाइनटी इनफाइनाइट स्लोप है, इनफाइनाइट स्लोप, खड़ी चढ़ाई है, इनफाइनाइट स्लोप, ठीक है, हाँ तो बात वही है, इनफाइनाइट स्लोप कहाँ से चढ़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो स्लोप यहाँ पर चेंज हो रहा है, सो स्लोप फॉर कर्व लाइन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। इफ इट्स अ कर्व फंक्शन, ऐसा कर्व शेप का फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन नहीं है, लीनियर फंक्शन नहीं है, तो बाकी सारे फंक्शन के लिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप, क्लियर है, स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग। और इसको, इसके लिए फिजिक्स में एक और तरीका है, एक और अच्छा तरीका है इसको निकालने के, कैसे निकालते हैं हम लोग, सो डेरिवेटिव, देयर इज अ मेथड कॉल्ड डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट gives you slope of graph of that function at that point, ठीक है। तो यहां से अपना टॉपिक शुरू होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, सिंपल, स्लोप निकाल दो ग्राफ का तो वो हो जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ अलग अलग फंक्शन के लिए कुछ फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन तो सिंपल है, फॉर्मूला आपके सामने है, आपको पता नहीं, लेकिन बाकी चीजों के लिए, बाकी फंक्शन के लिए कुछ अलग फॉर्मूला है, वो होना होगा, ठीक है, लिख लो ये सारी चीजें। तो मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दे रहा हूँ, मैं फॉर्मूला के कुछ नहीं है, मतलब मैं ही कराने वाला हूँ, मैथ्स में है उसके पास, मैथ्स के टीचर गाइड में, हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते, तो लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर दिस। फॉर्मूला x अपना वेरिएबल है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सभी लोग लिखेंगे, कुछ लोग लिखने का कौन ना तो कौन बने लिखेंगे, ओके सो दो मीनिंग है डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव फंक्शन मतलब होता क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन और इट इज स्लोप ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, क्योंकि स्लोप हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू हर पॉइंट पर अलग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि डेरिवेटिव की हर पॉइंट पर अलग अलग है, तो डेरिवेटिव इटसेल्फ इज अ फंक्शन, डेरिवेटिव इटसेल्फ इज अ फंक्शन, जरूरी नहीं कि एक्सिस्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन के केस में फिक्स वैल्यू है, यहां पर फिक्स वैल्यू है, ठीक है। सो लेट अस टेक द फार्मूला, मैं फार्मूला डायरेक्ट ले लूं, उनके पीछे का लॉजिक या उनके पीछे का जो मैच है वो नहीं बता रहा, उसके लिए और बहुत ज्यादा मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। अपने काम का क्या है, तो फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव को लिखते ऐसे d / dx ऑफ हमारा फंक्शन, लेट अस से फंक्शन है कॉन्स्टेंट k, ठीक है, k is constant, k क्या है, constant,
तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज, कांस्टेंट में चेंज कितना होगा, कांस्टेंट है अगर कोई चीज तो उसमें चेंज कितना, कोई चीज, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। पहला फॉर्मूला सिंपल था, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, अगर मेरा फंक्शन एक्स है, फंक्शन क्या है y इक्वल टू एक्स, ये कौन सा फंक्शन होता है y इक्वल टू एक्स, ये कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, कहां से लाइन, ओरिजिन से लाइन, एंगल कितना होगा 45 डिग्री, जहां जितनी वैल्यू x की उतनी वैल्यू y, तो इधर x अगर मैं 1 ले रहा हूं तो y भी जगह पर रहेगा, ये कौन सी लाइन है, दैट इज द लाइन दैट पासस फ्रॉम ओरिजिन एंड हैविंग 45 डिग्री टू एक्स, ओके, इट्स अ राइट एंगल इज, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, क्यों, क्यों 1, tan ऑफ 45 समझ, तो कुछ के लिए आसान था एक्सप्लेन करना फॉर्मूला कहां से है, कुछ फंक्शंस में दे रहा हूं उसका खुद को इतना इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको डिराइव करना पड़ता है, ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, ये सारे फंक्शंस है x, x रेस टू n, k, दीज आर फंक्शंस, तो इसके लिए फॉर्मूला है n x रेस टू n माइनस x का पावर n, x का पावर n, n में 2, 3, 4, n, तो ये फॉर्मूला है, उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव रहता है e रेस टू x, उसके बाद डेरिवेटिव है साइन x, साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका डेरिवेटिव cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x, साइन एक्स कॉस माइनस माइनस, ठीक है, आई थिंक इतना फॉर्मूला सफिशिएंट है, एक बार देखो तो टेक्स्ट बुक का कौन सा है, ज्यादा पहले तो ज्यादा दिखती थी, अच्छा और भी है, एक्स रेस में ओके एक्स रेस में लॉग एक्स कर रहे हैं, मैथ्स में तो 40 फॉर्मूला है, फिजिक्स में तो 10, मैथ्स में लोग छोड़ दो, फिजिक्स में ज्यादा टफ नहीं है, टेंशन मत लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स को लिखने का एक और तरीका है एल एन एक्स, ठीक है, जब मैं लॉग पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, दिस इज लॉग टू द बेस, एल एन का मतलब है लॉग टू द बेस ई, ठीक है, एंड इट इज 1 बाय x, फार्मूला है इसका 1 बाय x, ठीक है, बाकी काम करो, इतने फार्मूले अपने को ज्यादा तक यूज करने होंगे, मतलब ये ज्यादा यूज करने का फॉर्मूला, एडिशनल फार्मूला बुक में एक्स्ट्रा अदर देन दिस, कुछ एक्स्ट्रा है tan x है, फिर cos x, बाकी सब इनकी ज्यादा तक जरूरत पड़ती है, ठीक है, कितने टोटल 7, 7 से 10 फार्मूले हैं जिनमें अपने को मदद करेगी, इधर उधर कर उससे ज्यादा एक्स्ट्रा फॉर्मूला की जरूरत नहीं, लर्न ट्वेल्थ में नहीं पड़ती, ठीक है, भले आपको 200 का फॉर्मूला दे दे मैं सब अपने को इतने, ठीक है, लिखा चल देगा फॉर्मूला, लिख लो आगे के, लिख लो टेक्स्ट बुक में है, ये ना साइन एक्स ये फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स अगर मेरा फंक्शन है तो डेरिवेटिव माइनस एक्स, माइनस बताया ना मैंने फॉर्मूला है, इनको मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा, ठीक है, डेरिवेशन नहीं बता रहा, कर सकते हैं लर्जी लेकिन उसमें यार बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हां एल एन, एल एन एल एन से दूसरा लॉग नेचुरल लॉग पढ़ाई जाए, लॉग मैंने पढ़ा था ना, नेचुरल लॉग पढ़ा, ये
ये छोड़कर आपके टेक्स्ट बुक में और तीन चार फॉर्मूले देखो वो लिख लो एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिख लो टेक्स्ट बुक एक्स्ट्रा फॉर्मूले देखो टेक्स्ट बुक हाँ तो मैंने एक्स्ट्रा दिया और साइन और कॉस के बारे में जो पार्टी करना है वो लिखो देखो ना क्या 27 अब तो एक्स्ट्रा है उसका लिख दो क्या है तुम लोग अभी तक गलती गई नहीं अपने cos हो गया इसके बाद tan x है ना इसका लिखना है सही है square इसके बाद next पर है और इसका क्या है और कौन सा बच गया फॉर्मूला देख रहा मेरे को लग नहीं मैंने 12th में लग गया अभी बहुत सारे साल 15-20 साल सही है फॉर्मूला सर तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करना है इनका यूज करना मैं सिखाऊंगा ठीक है कहां से आया इसका उसके लिए कुछ पढ़ाना जैसे मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा एक एक लेसन जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया फंक्शन फंक्शन टेक्स अराउंड 15 लेक्चर्स 15 घंटे में पढ़ा 15 से 20 घंटे फंक्शन पढ़ा डेरिवेटिव पढ़ाने में एक महीना लगता है और इंटीग्रेशन पढ़ाने में डेढ़ महीना लगता है उतना वास्ट टॉपिक है और जो ये 11th और 12th में आपको पढ़ाया जाता है वो बेसिक है बेसिक पढ़ाने में इतना टाइम लगता है मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो हार्डली 2-3 लेक्चर में खत्म करता तो तुम समझ सकते हो मैं तुमको सिर्फ फिजिक्स में जितना चाहिए उतना पढ़ाने वाला मैं टॉपिक के डिटेल में नहीं जा रहा क्लियर है हम लोग बहुत ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ेंगे बहुत बेसिक बेसिक शैलो शैलो लेवल का स्टडी करेंगे डिटेल में नहीं जा सकते अगर डिटेल में जाएंगे तो फिजिक्स का सिलेबस पढ़ाना रह जाएगा और सिर्फ मैथ्स पढ़ना इसलिए हम लोग लिमिटेड पढ़ेंगे मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा हर चीज बहुत डिटेल में और जिनका मैथ्स नहीं वो लोग टेंशन ना ले इतना ही याद है जिनका मैथ्स पढ़ा अच्छा अब ये फंक्शन लिखते कैसे गूगल कर सकते हो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट तो कैसे आता है इसका ग्राफ आता है ऐसा ग्राफ ऑफ कांस्टेंट y ये x ये कांस्टेंट है स्टेडी है ये हो गया फर्स्ट वाली फंक्शन का दूसरा है x y इक्वल टू x का ग्राफ कहता है ऐसा 45 डिग्री का ठीक है तीसरा है x स्क्वायर अब x स्क्वायर के ग्राफ कौन सा है क्योंकि n की पावर चेंज करते जब ग्राफ चेंज होता है x स्क्वायर का ग्राफ याद करो x स्क्वायर का आपने बनाया था ऐसा ये एक्सपर का ग्राफ एक्स क्यूब का ग्राफ भी थोड़ा बहुत ऐसे क्या था फिर एक्स एक्स को फोर एक्स एक्स को फाइव यूज़ है भी रहता है सारे डिज़ाइन पर पैरा बोला इस शेप को बोलते हैं हम लोग जैसे सर्कल होता है स्ट्रेट लाइन होता है वैसे शेप एक्सैक्टली यू नहीं है यू ऐसा होता है एक्चुअली ऐसा होता है दिस इज यू एंड दिस इज वो मैं और सारा बता ठीक है फंक्शन समझ में आ गया क्या है तो मैंने कुछ के ग्राफ बनाए इनेस को एक्स का ग्राफ गूगल कर सकते हो साइन एक्स का भी आपने शायद से गूगल किया ना ऐसा ग्राफ आता है वेव जैसा
मैंने cos x का लिखा प्रीवियस ही आता है log of x का ग्राफ और ये स्ट्रेट से ये सब का पूरा वो उल्टा बेटा अगर ये मेरा y एक्सिस है ये मेरा x एक्सिस है सो दिस इज cos x ग्राफ और अगर ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है तो sin x ग्राफ This is sin x graph. This is cos x. क्या फर्क है? Sin x और x जीरो से स्टार्ट होता है sin x. मैक्सिमम वन से स्टार्ट होता है. This is one. This is zero. ठीक है? तो है सारे ग्राफ आप गूगल कर सकते हो. जल्दी से जल्दी से इंटरेस्ट करो. देखो कौन से ग्राफ कैसा है. उसका डेरिवेटिव के ग्राफ कैसा है वो भी देख सकते हो. Sin x cos का ग्राफ कैसा आएगा? फिर माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसा है वो डेरिवेटिव करता ठीक है डेरिवेटिव निकालना तो करना डेरिवेटिव इज मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना बच रहा है टाइम टाइम कितना बच रहा है टाइम तो फालतू कमेंट करोगे ना कुछ फालतू लेकर आ रहा है टाइम पढ़ो अरे क्या नाम है आपका निकलो बाहर गेट आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ अब से देख रहा हूँ ना सेंट पट्टी चल रही है यहाँ पर झोपड़ पट्टी चले नहीं चलेंगे क्लियर बता रहा हूँ और गंदी कोई वर्ड्स अगर यूज करना है तो मैं बाहर चल रही हूँ क्लास से ठीक है क्लासरूम है पढ़ाई करना है फालतू कमेंट्स करना नहीं ये आपका लोकल क्लास नहीं समझ लो यहाँ पढ़ाई करना आ रहा है फालतू के कमेंट्स करना और अगर मेरी समझ में आई दो दांत बाहर निकले पहली बात और मैं लड़की या लड़की कोई भी स्टूडेंट हो अगर दिमाग हटा तो बस हटका पड़ गया ठीक है एक ही पड़ेगा और डायरेक्ट यहाँ से हॉस्पिटल तब से देख रहा हूँ नाटक चल रहा है आना नहीं मेरे क्लास में आगे कोई जरूरत नहीं क्लास में निकल जाओ क्लास में फालतू टाइम पास करने के लिए पढ़ना है तो आओ नहीं पढ़ना है तो आओ ही मत कोई जरूरत नहीं ठीक है तो डेरिवेटिव इज मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक है मतलब है क्या लेट मी गिव यू एग्जांपल 2 × 3 ये दो वेरिएबल्स हैं इन पे ये ऑपरेट हुआ एंड यू विल गेट अ रिजल्ट सिमिलरली डेरिवेटिव इज अ फंक्शन और इज अ ऑपरेशन दैट ऑपरेट्स ऑन अ फंक्शन ठीक है डेरिवेटिव इज ऑपरेशन दैट ऑपरेट्स ऑन अ फंक्शन एंड यू विल गेट अ रिजल्ट ठीक है समझ में आ रहा है तो कई बार बच्चे पूछते हैं सर यहाँ डिवाइडेंस है तो यहाँ नहीं है क्यों नहीं है जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सो इट्स अ ऑपरेशन ठीक है क्लियर है ऑपरेशन क्या होता है चलो अभी इसका यूज करना सीखते हैं फॉर्मूला ये हो गया सारा इसका मीनिंग वगैरह बता दिया मैंने हर चीज का अब हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे मैथ्स फिजिक्स में इसका क्या यूज है वो भी सीखेंगे ठीक है कुछ सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं फिर फिजिक्स वाले एग्जांपल ठीक है सो लेट अस टेक अ एग्जांपल हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला सो Let y equal to आपको फंक्शन दिया हुआ है y equal to 3x² + 2 This is the given function और पूछा क्या है find derivative of y मतलब आपको निकालना क्या है dy by dx ये निकालना है आपको dy by dx अब ये तो मैंने फॉर्मूला दिया ही है ना तो कैसे करेंगे ये पता है लिख लो यहां तक लिख लो फिर एक बार स्टेप्स बदल दो बाद में लिखना चाहिए ना देखो d by dx of y y is your function कभी कभी y लेंगे कभी कभी आपको f of x चाहिए and d by dx of y
ये और ये एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से लिखा है, पर वाई का एक बार ऐसा कुछ है, कुछ भी लिखो डजंट मैटर, अपने को वाई है तो हम डिवाइड बाय x लिखते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस, पहले तो डी बाय डी एक्स, ये मेरा डेरिवेटिव का ऑपरेटर, वाई वाई क्या है तो माइनस एस क्या है, ये एस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन है, सो देयर इज अ रूल, जहां पर भी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो रहा है वहां पर दो चीजें हैं, दो चीजों का एडिशन हो रहा है, वी कॉल दिस एज टर्म, सो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, तीन भी हो सकती है, चार भी, कितने भी टर्म्स हो, देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ टर्म्स। क्या करेंगे हम लोग, इसको इस पे सेपरेट लिखेंगे, इसको इस पे सेपरेट लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, क्या है d / dx ऑफ इधर 3x स्क्वायर पहले इस पे लिखा प्लस d / dx ऑफ, ठीक है। क्या किया मैंने, ये मेरा डेरिवेटिव, पहली टर्म पे लिखा डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म पे डेरिवेटिव लिखा, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्लियर। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको जितने टर्म्स है उतने टर्म्स पे डेरिवेटिव को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप में देखना है कि फंक्शन क्या है, सो x स्क्वायर इज द फंक्शन बट 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, सो दिस इज कांस्टेंट इनटू फंक्शन, ये क्या फॉर्मेट है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट, कांस्टेंट इज 3 फंक्शन इज x स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट में कांस्टेंट को बाहर ले लो और फंक्शन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट को क्या करो बाहर ले, सो दिस इज माय कांस्टेंट बाहर ले ली d / dx ऑफ फंक्शन, ठीक है। प्लस यहां पर देखो फंक्शन में क्या कुछ x y नहीं है, कुछ भी नहीं, 2 है, 2 क्या होता है कांस्टेंट होता है, सो इसको एज इट इज लिखो फिलहाल, बाद में इसका वैल्यू डालेंगे। 3 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन से फॉर्मूला से आएगा, n की वैल्यू कितना लेना है 2, x स्क्वायर x का पावर 2, n की वैल्यू 2 ले लो तो यहां पर हो जाएगा x रेस टू 2 माइनस 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x रेस टू 2 माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला लगाया n x रेस टू माइनस 1, ये हो गया इसका 2 कांस्टेंट है, फंक्शन है नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आंसर क्या आ गया 3 2 6 x रेस टू 1, सो दिस इज आंसर, समझा। ऐसे करना, लिखो देख देख के लिखो, कुछ एग्जांपल मैं कराता हूँ फिर बाद में खुद करो घर पे, बाकी घर पे कर सकते हैं, एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर घर पे।
और कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ, ये उनके सभी का एरेस्ट कर दो ठीक। और कुछ एग्जांपल्स करते हैं, लेट अस टेक दिस एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 sin x minus 4 cos x plus x cube, ये अपने को फंक्शन दिया है। फाइंड f dash ऑफ x, क्या पूछा है हमें f dash ऑफ x, इसका मतलब क्या है? This is one more notation. एक और तरीका है लिखने का। f dash of x मतलब है क्या? It is derivative of x. d by dx of function. ठीक है? d by dx of function क्या है? ये 3 sin x minus 4 cos x plus x cube. अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होता था? जहां कितने टर्म्स है, लुक एट द टर्म्स, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो तीनों पे सेपरेट कर दो, सो d by dx of 3 sin x minus d by dx of 4 cos x plus d by dx of x cube. नेक्स्ट स्टेप, तो इस स्टेप में क्या किया हमने, डेरिवेटिव को हर एक टर्म पर सेपरेट किया, उसके बाद कांस्टेंट इनटू फंक्शन दिख रहा है क्या, कांस्टेंट इनटू फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट इनटू फंक्शन, यहाँ पर सेम फंक्शन है, जहां जहां कांस्टेंट इनटू फंक्शन है क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉन्स्टेंट बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस d by dx of x cube, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी, क्या करते जा रहे हैं, पहले स्टेप में हमने टर्म्स पर डेरिवेटिव सेपरेट किया, नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट इनटू फंक्शन जाना चाहता था, वहां पर मैंने कांस्टेंट बाहर लिया, क्यों ना कांस्टेंट छोड़ दो ऐसे, नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला यूज करेंगे, d by dx of sin x क्या फार्मूला है, cos, तो इधर लिख देंगे cos x minus 4 d by dx of cos x minus x, इधर आ जाएगा minus sin x, या फिर वो minus minus plus कर सकते, next step में करना तो करो, इधर करना तो x cube के लिए कौन सा formula, x raised to n, so that is n x raised to n minus 1, n x raise to n minus 1 for plan, ठीक है, और अब लास्ट स्टेप क्या बचे, b cos x plus 4 sin x plus 3 x square, so this is the answer, इससे आगे सॉल्विंग करते हैं, सो आपका आंसर भी एक फंक्शन आता है ना, आंसर भी एक फंक्शन आता है यहाँ, एक और ये करना आपको, ये आप लोग ट्राई करो, सेम स्टेप्स करके ट्राई करो,
इस फ्राइडे आपको फिजिक्स का टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 2 भी लाने का चैप्टर वाली बता है तो चैप्टर 1 का टेस्ट होगा तो जो लोग चैप्टर 1 में प्रेजेंट है वो लोग दे सकते हैं जो लोग नहीं थे वो रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स ऑप्शन है उसमें कुछ दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं मुझसे देखा नहीं जाएगा देखा मुझे तुम्हारा पढ़ लो हो गया सभी का ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखो dy by dx equal to constant के बाहर derivative of function अपना शॉर्टकट सीख लो हमको एक बार आ गया तो हम लोग शॉर्टकट सीख लें और derivative of e raised to x क्या किया मैंने x का बैक कर दिया इसको फिर उसके बाद log of x का 1 by x होता है आपको फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा आप ये मेंटली कर लो फंक्शन दिया डेरिवेटिव फॉर्मूले लगा ठीक है तो आज का होमवर्क है फॉर्मूले लर्न करना और मैं आपको असाइनमेंट अगर पॉसिबल होगा तो दे दूंगा तो वो आपको सॉल्व करना ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा 10 बार वो कर लेना ठीक है ये मैकेनिज्म समझ में आ गया कैसे करते हैं फॉर्मूला का बहुत सिंपल है ठीक है एक और रूल है प्रोडक्ट रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीधा सीधा कर सकते हैं है ना डेरिवेटिव सेपरेट कर दो सॉल्व कर दो खत्म मल्टीप्लिकेशन में सीधा सीधा नहीं कर सकते डिवीजन हो जस्ट पार्ट प्रोडक्ट रूल इसको हम लोग यूवी रूल बोलते हैं प्रोडक्ट रूल को यूवी रूल बोलते हैं क्यों लेट अस से u इज अ फंक्शन ऑफ x v इज अनदर फंक्शन ऑफ x और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है पहला इनटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का ठीक है इसका एक एग्जांपल है समझाने ये फार्मूला है व्हिच इज कॉल्ड यू वी रूल और लेट अस टेक एग्जांपल y इक्वल टू x क्यूब sin x y इक्वल टू x क्यूब sin x x ये एक फंक्शन है x क्यूब ये एक फंक्शन है sin x ये दूसरा फंक्शन है ये अलजेब्रिक फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन सो दिस इज माय यू दिस इज माय वी क्या करेंगे हम लोग यू वी रूल लगाएंगे सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डेरिवेटिव ये स्टेप समझा वी हैव यूज्ड प्रोडक्ट रूल क्योंकि यू वी फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये करता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीधा सीधा सेपरेट करो और सॉल्व इधर ये फॉर्मूला ये रूल का पार्टी में सो ये हो जाएगा x क्यूब sin का डेरिवेटिव क्या है cos x - plus sin x x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर x क्यूब सो 3x स्क्वायर क्या फॉर्मूला कहां से आया ये n की वैल्यू 3 डालो ठीक है तो दिस इज द आंसर इसको सिंपलीफाई कर दीजिए
x cube cos x plus 3 sin x or 3 x square sin x. This is the answer. ठीक है, सिंपल है ना बच्चों, रूल्स पता होना चाहिए, रूल्स कल्ट करते हैं, तो आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो ऐसा ही रूल डिवीजन के लिए, ये तो मैंने कहा था देयर इज नो वन व्हिच इज कॉल्ड डिवीजन रूल. चलो मैं डिवीजन के लिए आपको देता हूं फंक्शन, वो मुझे कर देता हूं मल्टीप्लिकेशन का कर देता हूं और y equal to sin x into log x. ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, sin x मल्टीप्लाइड बाय log x. दिस इज log x, sin x मतलब log x, sin डिवाइड बाय dx. सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम तरीके से करना है, स्टेप से यूनिट में लगाना है.
टॉपिक्स sin x upon x plus log x सिंपल डिवीजन रूल भी देखो एक और रूल पढ़ा देता हूं डिवीजन रूल ये प्रोडक्ट रूल है इस तरह से यूज करना है नेक्स्ट है डिवीजन रूल u upon v रूल मतलब डिवीजन रूल ठीक है फार्मूला है d by dx of u upon v अगर ऐसा हमारे पास दो फंक्शंस का डिवीजन है तो फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग v du by dx minus u dv by dx upon v square ये फॉर्मूला माइनस साइन है मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन का इंटरसेक्टर है ठीक है तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है नीचे का फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कब टेस्ट करेंगे सर sin x upon x square ये निकालना है we will use u v rule तो ये derivative of sin x देखो denominator into derivative of numerator ये minus numerator derivative of x square upon इसका square मतलब x raised to 4 है ना डिनोमिनेटर का स्क्वायर बी स्क्वायर अब क्या करें अब फॉर्मूला डाल दो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन जैसे था सर ठीक है क्या समझे कुछ नहीं कर तो sin x मल्टीप्लाई है व्हाट वो x के साथ अंदर नहीं मल्टी sin x वन फॉर्म है x से सर तो sin x इनटू x भी यूज ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 2x sin x तो कंफ्यूजन नहीं होगा है सिंपल है बच्चों ये वाला प्रॉब्लम d by dx of e raised to x upon sin x sin x दूसरा कुछ देता हूँ क्या देखो cos x देखो ठीक है फॉर्मूला सामने है सब कुछ सामने अभी फिलहाल मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूँ फिर फिजिक्स में इसका क्या यूज है वो भी सीखे है ना अभी तो फिलहाल मैथ सीख रहा है फिर फिजिक्स भी सीखेंगे है ना चेक करो अपना आंसर चेक करो
आ रहा है सभी को समझ में आ रहा है कि बाउंसर क्या करेंगे? अब इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे खुद से, ये सब दिया हमने एक्सरसाइज में, डेरिवेटिव के जितने क्वेश्चन करोगे इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। एक और इसमें टाइम बच गया है फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल बच गया, तो वो मैं कल पढ़ाऊंगा चेन रूल, और फिर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक लेक्चर में डेरिवेटिव पढ़ाया है, लेकिन ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। फॉर्मूले याद रखना है, आज का होमवर्क है लर्न ऑल द फॉर्मूला और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में डेरिवेटिव वाले सेक्शन, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ, बस वो सर आ रहे हैं आपका कुछ।